So topic number one, here we start. The topic number one is dissolution of partnership firm. Likh de beta. Dissolution of partnership firm. Are we ready? So एक चार्ट बनाओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का. रेडी? टनिंग टनिंग एन लाइक तुम क्या मेरे डे वन को इज्जत उतारोगे क्या? कैसे ना लाइक हो ए भाई गधेड़े गधेड़े बच्चे फोकस मत करो इन पर. क्या हो गया? डिसोल्यूशन ऑफ. ए मैं एक डे वन को ही पहले बात बता दूं कि यार दो आई नो इंग्लिश बट आई डोंट नो स्पेलिंग्स समटाइम्स. ठीक है आई डोंट नो यार पर मैं ट्राई करता हूं कि स्पेलिंग इंप्रूव करूं बट पता नहीं आई और ई में मेरा हर बार गफला होता है. मुझे पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि डिसोल्यूशन की भी स्पेलिंग बराबर है कि नहीं है. पार्टनरशिप आई एम श्योर, फर्म इज ऑल्सो श्योर. तो कुछ बच्चों को क्या है ना, बहुत कीड़े करने में मजा आता है कि सर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई. मैं जानबूझ कर नहीं करता हूँ बट कहीं कुछ आई और ई में गफला हो गया, अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है और मेरे को समझ में नहीं आता है आई और ई का. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं स्पेलिंग में मिस्टेक होते हैं तो स्पेलिंग्स तुम्हारी जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत ध्यान रख ले. हाँ मतलब 90% राइट रहता है, 10% का बोल रहा है. सो सुनो अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या करना है आपको? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि डिसोल्यूशन मतलब क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है. डिसोल्यूशन मतलब धंधा चल रहा है. मैडम ये सीधा बैठने का, मैं बताना भूल गया है. अरे मैम मैम सीधा बैठने का, ऐसा नहीं बैठने का. या ऐसा बैठते बैठते कब अपन है ना बेड की जरूरत नहीं पड़ती मालूम ही नहीं पड़ता है. मतलब धमाल मचा लेते. जल्दी से बताओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप मतलब क्या? धंधे को बंद कर देना. धंधे को बंद कर देना. यू हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस. सो व्हेन यू क्लोज डाउन द बिजनेस व्हाट यू डू इज you have got a balance sheet. Balance sheet of what? Firm. Balance sheet of firm. So dhande ko band karna accounting way mein is to close the balance sheet. P&L account itself is an account. So P&L account har saal close ho jata hai by getting transferred to the capital account or by getting transferred to the balance sheet, reserves and surplus. P&L account har baar close ho jata hai. Chalo financial statement batao. Kaun sa financial statement hota hai? Balance sheet, P&L account, cash flow statement and notes to accounts. इनमें से जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बचपन से बनाते हो फाइनल अकाउंट में, वो है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और क्या? बैलेंस शीट. अब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ये इटसेल्फ इज एन अकाउंट, ये किसमें क्लोज हो जाते हैं? बैलेंस शीट में. क्या मेरी बात समझ में? तो रह गया इफ आई हैव टू से क्लोजिंग द बिजनेस. डिसॉल्विंग द बिजनेस मींस क्लोजिंग द बैलेंस शीट. क्लोजिंग व्हाट? बैलेंस शीट. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछू क्या? बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? देखो हाँ सोच समझ के बोलना. क्या क्या है? असेट. नाम बता दो भाई असेट के. फिक्स्ड एसेट. मैडम आपको भी पता है कुछ एसेट के नाम? हाँ बताना चालू करो. फिक्स्ड एसेट, फिर डेटर्स, फिर स्टॉक, बीआर, कैश. आहा और स्टॉक लिखा ना बे. फिर बैंक, कैश बैंक. हाँ और इन्वेस्टमेंट. थैंक यू. ए सुनना, और एक होता है ना ऐसा प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, ठीक है. और एक होता है ना कभी 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 बचपन में तुम लिखते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ. सो कैन आई नॉट से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बोलो हाँ हाँ. तारा रारा. अब सुनो नेक्स्ट. क्रेडिट साइड में होंगे आपका कैपिटल. कैन आई नॉट से पार्टनर्स कैपिटल? अच्छा पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी जो तुमको अच्छा लगे वो लिख देना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस या तुम्हारे नाम जो भी है. फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस के कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जनरल रिजर्व है, पी एंड एल अकाउंट है, कैपिटल रिजर्व है, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स. फिर लाइबिलिटीज बताओ. क्रेडिटर्स. फिर क्या बोले? क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, लोन बोरिंग ओडी. क्या बोला बेटा? यस मेरा राजा बेटा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्या हम रुक सकते हैं यहां पर? अब मैंने बोला बैलेंस शीट को क्लोज करने का. क्लोज करेंगे. यस आईला. असेट को कौन सा बैलेंस होता है बे? पूरी क्लास को मालूम है ना?
लाइबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट, मतलब तुमको बैलेंस मालूम है। ऐसा क्यों रूल है? असेट को डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्लोज करना मतलब कॉमन सेंस लगाओ सर, उल्टा करने का। उल्टा करने का है क्या? नहीं तो असेट को क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको मारेंगे? बशी अणगाव पर फिराइजा फेंका धनाधन। असेट को क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब मुझे मेरी बैलेंस शीट को फर्स्ट एम्प्टी करना है। व्हाट इज द रूल नंबर वन? एम्प्टी द बैलेंस शीट। ए व्हाई यू हैव टू एम्प्टी द बैलेंस शीट? क्योंकि हम क्या करें, धंधे को क्लोज। सो एम्प्टी द बैलेंस शीट वेयर? माय फर्स्ट रूल इज आई विल एम्प्टी द बैलेंस शीट इन द रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो हाँ। रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन मतलब बेटा हासिल करना, टू रियलाइज, टू गेट। सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस एसी, राइट, मैं इस एसी को क्या बोलूंगा? इसको बेचा तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव रियलाइज 20,000 फ्रॉम दिस एसी। रियलाइज, टू गेट। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो सेम लॉजिक से मैं बोल रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में आप सारे असेट को क्या करोगे? खाली, एम्प्टी करोगे। सो एंट्री क्या बनेगी? असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो अपनी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल असेट। से यस, बताओ एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल असेट। एग्रीड? तो बेटा जी सारे असेट्स हम रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देंगे। टू फिक्स्ड असेट, टू डेटर्स, झंपुड़े, टू स्टॉक, टू बीआर। ए पोपट, कैश डालेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं डालेंगे कैश? अच्छा, क्यों नहीं डालने का ये बता दो, क्योंकि उसको रियलाइज करने की जरूरत है क्या? कैश जेब में 10 रुपए, तो 10 रुपए को वापस और रियलाइज करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, रियलाइज हो। कैश इज इन अ रियलाइज फॉर्मेट। एग्रीड? सो कैश नहीं आएगा। टू इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? ए पोपट सुनना, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहे लाए क्या? ये क्या है? असेट है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असेट है क्या? कोई अगर किसी को पता होगा तो मुझे उसका ड्राइंग निकल कर दे सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। जैसे फिक्स्ड असेट का मैं ड्राइंग निकाल सकता है, डेटर्स का भी मैं इंसान के रूप में डिजाइन निकाल सकता है, वैसे बोलना मत, स्टॉक भी निकाल सकता हूं, यस और नो? मैं सारे असेट के डिजाइन निकाल सकता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का निकाल सकता हूं क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली असेट है ही नहीं, ये क्या है कि एक्सपेंडिचर ही है, बट इसका बुकिंग हम एक साल में करने की जगह एक साल से ज्यादा साल में करते। बोलो ना। हाँ, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रादर देन बुकिंग द एक्सपेंडिचर इन वन गो, वी बुक द एक्सपेंडिचर इन मोर देन वन ईयर एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। बोलो हाँ। सो मेरे राजा बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज बेसिकली एन एक्यूमुलेटेड लॉस, उसको बेच नहीं सकते। कैसे बेचोगे बताओ मुझे? तुम्हारे पास प्रीपेड कार्ड होगा तो उसको बेच सकते तुम, बट तुम बोलेगे मेरा एडवर्टीजमेंट खर्चा हुए सो है ऑलरेडी, और उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट से मुझे डालना है, वीआरएस है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो खर्चा हो चुका है, बस उसको हमको क्या करना है, पीएनएल अकाउंट में डालना बाकी है, और पीएनएल अकाउंट में एक नहीं दो तीन साल में डालना है। जैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर आपको याद होगा तो फाउंडेशन में आपने किया था, नहीं? डिबेंचर टॉपिक, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मम्मी अभी अभी थोड़ी देर में संतोष बोलने लग जाएगा, भाई आंसर जल्दी से बताओ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सुना है कि नहीं सुना है? यूज टू अमोर्टाइज इट ओवर अ पीरियड ऑफ, यस और नो? तो तब तक वो बैलेंस शीट असेट साइड में दिखता था कभी बार। सो वो क्या कोई असेट है क्या? बोलो हाँ है, असेट है। बोलो असेट है, बोलो असेट है। हाँ, तो वो असेट नहीं है, ठीक है ना? एग्री कर रहे हैं अपन? तो असेट नहीं है तो कहां जाएगा वो? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। वो क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस। वो कहां जाएगा मैं आपको बताऊंगा। सो कुल मिलाकर बेटा जी, क्या मैंने इसको टिक मार्क कर दिया? 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ये कौन सी वैल्यू पर खाली करोगे बैलेंस शीट को? जितनी वैल्यू हमारे बुक्स में है उसी वैल्यू पर हम उसको खाली करेंगे। सो विच वैल्यूज यू आर गोइंग टू एम्प्टी इट? बुक वैल्यू से, यस। अच्छा, लाइबिलिटीज कहां कहां चली जाएगी? इनको क्रेडिट बैलेंस है, इनको क्या करेंगे? डेबिट। सो बेटा जी अभी हम क्या करेंगे? बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय लोन, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बार लॉजिक लगाएंगे, लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? आवाज ही नहीं है यार,
खाली करना है तो उसको क्या करूंगा? तो क्या अपने को एंट्री बनाते आ रही क्या? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। से यस, यस, वेरी गुड। सो हमारी कौन सी चीजें एम्प्टी हो गई बेटा जी? हमारे असेट्स एम्प्टी हो गए, हमारे लाइबिलिटीज एम्प्टी हो गए। अब मुझे एम्प्टी करना है मेरा कैश अकाउंट। तो कैन आई नॉट से मेरा इधर कैश अकाउंट आ गया, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? बोलो हाँ। अब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आ गया तो मैंने इधर लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? क्योंकि बेटा इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैंने निकाल दिया। से यस। इसके अलावा मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। से यस। और इधर मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका किसका नाम लिखेंगे? ए बी सी। और इधर ही मैं लिख दूंगा बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। मुझे आवाज नहीं आ रही, विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। डू यू अप्रिशिएट? सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट से माय ए बी सी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर? कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। अभी तक तो बताओ हमने क्या क्या कर दिया अभी तक? एम्प्टी दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट्स होती है जो रियलाइज कर सकते हैं, उनको कहां डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज होती है जिनको सेटल करना पड़ेगा, उसको भी कहां डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। जो ओनर से बिलोंग करता है, पार्टनर्स को बिलोंग करता है, वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो ऑलरेडी रियलाइज अकाउंट है वो कहां जाएगा? कैश अकाउंट में। एग्रीड? और राजा बेटा जी, जो कोई भी आपका फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर है, ये वाला डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये एक्चुअली लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। और जैसे प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, हाँ या नहीं? वैसे एक्यूमुलेटेड या डेफर्ड एक्सपेंडिचर कहां ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड में। से यस। क्या अगर मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? संतोष माइक रेडी कर। अच्छा, अपने क्लास का एक रूल है, या तो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे या मैं आपको पूछूंगा। समझे कि नहीं समझे? तुम इधर आकर सिर्फ हाजिरी देने को नहीं आ सकते, या तो तुम क्वेश्चन पूछोगे या मैं, मतलब या तो क्वेरी है तो तुम पूछ लो, नहीं तो मैं पूछ सकता हूँ। सही है ना? मेक सेंस? तो चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी डू? एम्प्टी द बैलेंस शीट। हाउ डू वी एम्प्टी द बैलेंस शीट? ऑल इंडिविजुअल असेट्स कहाँ ट्रांसफर हो गया? एंड ऑल इंडिविजुअल लाइबिलिटीज एट विच वैल्यू? एब्सोल्युटली राइट। पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस विल गेट ट्रांसफर्ड वेयर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स एंड सरप्लस टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ऑन विच साइड? डेबिट साइड। कैश अकाउंट का कोई भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्या? एग्रीड? और राजा बेटा जी, जो कोई भी आपका क्या कहते हैं उसे असेट्स है, वो सारी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हो जाएगी। लाइबिलिटी सारे रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हो जाएगी। अगर कोई कैश है तो कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। एग्रीड? तो मुझे लगता है यहां तक चीजें समझ में आई। इसके अलावा एक और आइटम होता है जिसका नाम है पार्टनर्स लोन। क्या बोला मैंने? पार्टनर्स लोन। अगर तुम्हारा आंसर हमेशा सही कराना चाहते हो तो पार्टनर्स लोन का अकाउंट आप हमेशा क्या करोगे? अलग खोलोगे। क्या करोगे? अलग खोलोगे। वो कैसा करना है वो मैं समझाऊंगा। इज दैट ओके? सो अभी तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर तक लिख लो, देन विल गो अहेड। आगे लिखो ना।
ये लिख लिया कि इधर तक क्या हो गया पिल्ले? ऑलराइट, ये लिया क्या भाई? वो तेरी किसका है मोबाइल? हेलो तुम्हें पता है ये हमारे बिजनेस की कुछ एसेट्स है। ऐसे वाहियत लोग हो तुम, ये देखो ये क्या है? ठीक है, हमारे सीए की एसेट्स है। ये कैलकुलेटर है, ये वॉच है, ये मोबाइल है, ये पता नहीं पाउच है और एक पेन है। वी हैव गॉट सो मेनी एसेट्स विद अस। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूंगा, वैसे आप करते चले जाओ, क्योंकि मैं अभी आज आपको दो टॉपिक्स को इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो टॉपिक आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो, दो नहीं इनफैक्ट दो से ज़्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके एक एक करके बोली लगाऊं तो इसकी बोली लगाओ कितना? 5 रुपये। नलायक तेरी औकात नहीं, बाहर निकल तू पहले इधर से। और अबे किसकी है तू, तो वो बोली लगा दे। 500। ओके 500 रुपये। और ठीक है, तो कल मिलाकर इसको 710 में डन निकाल देते। ये 710 में गई। कैलकुलेटर 100 150 व्हाटएवर 150 में निकाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन खरीद रहा है 150 में? 150 में कौन खरीद रहा है ये? अच्छा तू खड़ी हो जा गुड़िया। ये 150 में ये खरीद रही, और ये 700 में कौन खरीद रहा था? अरे झूठे कोई ऐसा नहीं करें, खड़ा हो जा भाई। 700 में वो खरीद रहा है। अच्छा ये मोबाइल कितने का है? कौन सा है रे? कितना बता रहे तुम? 5000। ठीक है, ये 5000 में ये मोबाइल जाएगा। कौन खरीद रहा है इसको? अच्छा भाई खड़ा हो जाए, मोबाइल 5000 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, और ये पाउच कितने में खरीदेंगे? 100। लड़कियों के पाउच नहीं ओपन करते मुझे पता है। हाँ कितने का है भाई ये? हाँ ये 50 में खुद ही बोल रही है। ठीक है भाई 50 में खरीदेंगे इसको। हाँ खड़े हो जाए 50 में। कौन है पॉचिस? नलायक 25 बार पोछा लगाऊंगा मालूम है क्या तेरे को? होपलेस पॉचिस। और ये पेन 10। कौन खरीदेगा 10 में? ए इधर से कोई, ए इधर पूरा गर्ल सेक्शन है क्या ये? वाह, तो ये कौन खरीद रहा है? उधर बॉयज की खेती कैसे हो गई? अच्छा ये और है क्या इधर? अच्छा ये कौन खरीद रहा है? अच्छा खड़ी हो जाए गुड़िया। तो कुल मिलाकर अभी जो मैंने आपको बताया कि ये चीजें इंडिविजुअल अलग अलग लोग खरीद रहे हैं इसको, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग रेट पर खरीद रहे। इसको बोले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वी आर डिसॉल्विंग द फर्म बाय सेलिंग इंडिविजुअल असेट टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल। अगर यही चीज खरीदने वाला एक ही आदमी है, संतोष इधरूपरा, अगर खरीदने वाला एक ही आदमी है, कौन? नाम संतोष। संतोष का काम बहुत भारी है। संतोष क्या करता है मालूम है क्या तुमको? संतोष क्या करता है मालूम है क्या? ओ सर बाकी का जाना किरकिर छोड़ो, मेरे को एक ठोक में बताओ कितने में दे रहे मेरे को। तो जब कोई व्यक्ति किसी पूरी चीज को एक गो में बाय कर लेता है, ठीक है, कोई एक चीज में, तो उसको 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 क्या बोलते हैं? अमालगमेशन। उसको क्या बोलते हैं? अमालगमेशन। सो बेटा जी पूरी की पूरी प्रोसेस सेम है अकाउंटिंग वाइज। कॉमन सेंस लगाओ, इधर खरीदार एक से ज्यादा है और इधर खरीदार एक है। से यस। अमालगमेशन में क्या होता है? एक कंपनी बिक जाती है और वो कंपनी पूरी की पूरी एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब चलती फिरती कंपनी, किसी दूसरी कंपनी में क्या हो जाती है? अमालगमेट, मर्ज। अगला टॉपिक अब जब हम देखेंगे तब, बट अभी से प्रिपेयर होना जरूरी है। डिसोल्यूशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन में यू आर वन पर्सन हियर एंड यू आर गोना सेल इट टू वैरायटी ऑफ द पीपल। से यस। ये क्या बना? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके बाद में और एक टॉपिक का अपने नाम लिखा था, अमालगमेशन ऑफ फर्म। दो फर्म है, दोनों फर्म अमालगमेट हो गई, मर्ज हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट उसमें खरीदार एक ही होता है। चलो जल्दी से बताओ डिसोल्यूशन और अमालगमेशन में क्या फर्क है? डिसोल्यूशन में कितने लोग होते हैं? बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग आकर खरीदते हैं, वो गोइंग कंसर्न बोलकर ट्रांसफर नहीं होता है। बट अमालगमेशन में कैसे होता है? इट इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न। Agreed. So, amalgamation of firm, amalgamation of companies, इस टॉपिक में हम इसको देखेंगे। अगर आपका दिमाग में ये पार्ट क्लियर हो गया ना, तो अगला पार्ट एकदम आसानी से हो जाएगा। आर यू रेडी? यस फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आज जिनका जिनका है, ठीक है आपको मिल जाएगा। थैंक यू, पैसे दे देना, आपको मिल जाएगा आपका सामान। बैठो 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 ना लाइको। ए राजा बेटा, अब मैं आपको बताऊं कि हमको बेचने का है, तो बेचना शुरू करेंगे क्या?
मुझे बताओ क्या मेरे बुक्स में कोई भी असेट अकाउंट खाली पड़ा है क्या? अभी सोचो सोचो, मेरे बुक्स में कोई भी असेट अकाउंट खाली पड़ा है क्या? सारे असेट अकाउंट कहां चले गए? यार मुझे समझ भी नहीं आता तुम क्या बोलते हो। रियलाइजेशन। तो अभी मैं जो जो असेट को बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कैश। तो जैसे मान लो मैंने मोबाइल बेचा था, अब मोबाइल अकाउंट मेरे पास ओपन नहीं है, मोबाइल अकाउंट कहां चला गया? रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मैं किसी एसेट को बेचूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज व्हेन कैश कम्स इन यू डेबिट इट। कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, जब एम्प्टी करेंगे बैलेंस शीट तो कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। बट जब 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 बेचेंगे तब कौन सी वैल्यू पर? आवाज ही नहीं आ रही है। मार्केट वैल्यू बोलू क्या? मतलब एम्प्टी द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, बट when यू सेल the asset एट realizable वैल्यू और मार्केट वैल्यू से, yes or no? मुझे आवाज नहीं। एम्प्टी द बैलेंस शीट एट, उसका पर्पज अलग था, बट अभी उसको क्या करेंगे? बेचना है, तो बेचना एट विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर एक असेट को बेचेंगे। लाइबिलिटीज को सेटल करेंगे, तो क्या लाइबिलिटीज अकाउंट ओपन है क्या मेरे बुक्स में? लाइबिलिटीज अकाउंट ओपन है, तो अपनी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अभी तुमको एंट्रीज पूरे रिवाइज करने पड़ेंगे। फर्स्ट एंट्री से शुरुआत करते हैं। एम्प्टी दी बैलेंस शीट, असेट को एम्प्टी करो, एंट्री चाहिए। रियलाइजेशन टू विच वैल्यू? एम्प्टी दी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विच वैल्यू? आई होप यू आर क्लियर विद दिस टू एंट्रीज। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चला जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस किसको ट्रांसफर होगा? इन विच पीएसआर? मेक द एंट्री। ट्रिक बताता हूं। रिजर्व्स एंड सरप्लस को कौन सा बैलेंस है? रिजर्व्स एंड सरप्लस को कौन सा बैलेंस है? अबे सीधा बैठ बे, ऐसे नहीं बैठते। हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो अपनी एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। डन। तो एम्प्टी द बैलेंस शीट हो गया, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक में चला गया। अब नाउ 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 नेक्स्ट यू आर गोइंग टू रियलाइज असेट। अच्छा, असेट अकाउंट ओपन है अपने पास, बोलो हाँ। अच्छा, अपन असेट को कौन सी वैल्यू पर रियलाइज करते? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? व्हाट इज द एंट्री? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एम्प्टी द बैलेंस शीट के बाद में कैश रियलाइज करो असेट्स की। सो कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज को सेटल करो, एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सो कैन आई मेक दोज एंट्रीज? यस। सो कम अलॉन्ग विथ मी एंड राइट डाउन द नेक्स्ट एंट्री। बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है बेटा? तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने लिखा बाय कैश ऑब्लिक बैंक और इंडिविजुअल असेट इधर लिखूंगा। फिक्स्ड असेट, डू नॉट राइट बाय फिक्स्ड असेट, क्योंकि पोस्टिंग फिक्स्ड असेट को नहीं डालनी। फिक्स्ड असेट अकाउंट इज नाउ एम्प्टी। पोस्टिंग किसको डालनी है? कैश को। तो पहले जब पोस्टिंग आई थी तो टू फिक्स्ड असेट इधर लिखा था, क्योंकि पोस्टिंग किसको गई थी? फिक्स्ड असेट अकाउंट को। तुम्हारी एंट्री क्या थी पहली? एम्प्टी द बैलेंस शीट। तुमने एंट्री की थी रियलाइजेशन टू फिक्स्ड असेट, इसीलिए टू फिक्स्ड असेट। बट नेक्स्ट नीचे हम क्या कर रहे हैं? उस फिक्स्ड असेट को रियलाइज कर रहे हैं। तो एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू फिक्स्ड असेट नहीं है, एंट्री क्या है? कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन। सो बेटा जी, इधर आया बाय कैश ऑब्लिक बैंक रियलाइजेशन के क्रेडिट में। इसके नीचे ये जो फिक्स्ड असेट लिख रहा हूं, ये डिस्क्लोजर है, इधर बाय नहीं लिखते। बाय लिखोगे तो पोस्टिंग कहां चली जाएगी? फिक्स्ड असेट अकाउंट में। बट फिक्स्ड असेट अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। क्या मेरी बात आपके जहन तक पहुंचती है क्या? सो बेटा जी, मैंने इधर लिख दिया फिक्स्ड असेट विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू। फिर और कौन सी असेट है? डेटर्स, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू। फिर स्टॉक, कौन सी? मार्केट वैल्यू। फिर बीआर और फिर इन्वेस्टमेंट, कौन सी वैल्यू मेरे राजा बेटा? मार्केट वैल्यू। बेटा आप मुझे कॉमन सेंस लगाकर बताइए, एम्प्टी द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू बट सेल द एसेट एट मार्केट वैल्यू, क्या होना चाहिए? प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करता है? ओनर को बिलोंग करता है क्या? सो रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस किसके पास जाएगा? विच रेशियो? चलो जल्दी से बताओ, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस किधर जाएगा? इन विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। चलो नेक्स्ट, लाइबिलिटीज कहां पर बैठी हुई है? लाइबिलिटीज कहां पर बैठी हुई है? रियलाइजेशन। उनको भी सेटल करना पड़ेगा क्या? कैश आएगी क्या जाएगी? तो बताओ एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? बरोबर है क्या? क्या क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन सा बेटा जी? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू भी बोल सकते हो। से यस,
अच्छा सेकंड इफेक्ट बता दो, आवाज ही नहीं आती यार, क्या बोलते मेरे, कैश के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, से यस, कैश के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, लिख दूं अभी, क्या यहां तक कंप्लीट कर लियो आप, अब कैश पब्लिक बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, से यस। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस किसके पास जाता है? अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में, सो इट विल गेट ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस आया तो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में, एंड इट विल गेट ट्रांसफर टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट साइड, इन विच रेशियो, ओल्ड पीएसआर। तो वो हम लिख लेंगे, दैट्स नॉट द थिंग, मतलब हम ओरली लिख लेंगे, पोस्टिंग से नहीं बताएंगे। अच्छा लास्ट, बचा हुआ पैसा, लाइबिलिटी सेटल हो गई, एसेट रियलाइज हो गई, अब बचा हुआ पैसा किसको जाता है? तो जो कोई भी कैश बची है वो अगर आप पार्टनर्स कैपिटल को टू कैश ऑब्लिक बैंक लिख देंगे, सेटल कर देंगे, तो आपका काम खत्म। से यस, एम आई कम्युनिकेटिंग? ऑल राइट, सो लास्ट टाइम एक बार एंट्रीज रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस लिख कर दूंगा, एंड देन विल मूव डाउन टू द प्रॉब्लम। रेडी? ओके, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहली एंट्री, एम्प्टी द बैलेंस शीट। अच्छा सुनो, आपका कभी भी है ना बेस कैसे क्लियर होगा, शुरुआत में आपको जो फर्स्ट चीज हो रही होगी वो ज्यादा परफेक्ट लगेगी, सेकंड चीज थोड़ी कम परफेक्ट लगेगी, थर्ड चीज थोड़ी कम परफेक्ट लगेगी, बट ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा अभी, बट जब आप एंड में देखोगे तो आपको हर एक चीज परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट चीज होती है उसका रिविजन ज्यादा होता है तो वो परफेक्ट ज्यादा लगती है, दूसरी चीज का रिविजन कम होता है इसलिए वो कम परफेक्ट लगती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू विच वैल्यू? ओके, फिर लाइबिलिटीज टू व्हाट? रियलाइजेशन, विच वैल्यू? ठीक है, एम्प्टी द बैलेंस शीट हो गया। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, डन डन डन, यस। कैश अकाउंट का अकाउंट ओपन कर दिया, फिर अभी क्या होता है? असेट को क्या करेंगे? बेचेंगे। असेट को क्या करेंगे? बेचेंगे। एंट्री बताओ, कैश पब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन। ओके, अगर लाइबिलिटीज को सेटल किया तो एंट्री क्या? रियलाइजेशन टू कैश पब्लिक बैंक। कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, विच वैल्यूज? मार्केट वैल्यू, सेटलमेंट मार्केट वैल्यूज पर होगा, एग्रीड? अच्छा जब एम्प्टी बुक वैल्यू पर हुआ और सेल या सेटलमेंट मार्केट वैल्यू पर हुआ तो क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स। अच्छा लाइबिलिटी का सेटलमेंट हो गया सब कुछ, उसके बाद में बचा हुआ पैसा किसके पास जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली हो गया और आपकी बैलेंस शीट खत्म हो गई, एग्रीड? ओके, नाउ राइट डाउन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस बॉयज एंड गर्ल्स, मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस, योर फोर रैबिट टीथ शुड बी ऑलवेज विजिबल, गुड। क्या लिखोगे? कुछ समझ में नहीं है, क्या बोले तुम? स्पेशल केसेस बोले क्या? तो लिखो स्पेशल केसेस, लिख दिया, उसमें लिखो केस वन, उसमें लिखो केस वन, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बेटा डिसोल्यूशन टॉपिक की एक खास बात है, हमारे पास नॉमिनल अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं है, जैसे आप रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, नॉट अलाउड। सैलरीज अकाउंट ओपन करते थे ना, सैलरीज पेड, एंट्री क्या होती थी? सैलरीज टू कैश पब्लिक बैंक। इनफैक्ट पूरा ग्रुप टू देखेंगे ना तो आपको इजी लगेगा, अगर आप ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ गए लॉजिक। यहां पर आपको नॉमिनल अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद यह है कि धंधे को क्लोज करना, ना कि और अकाउंट ओपन करके और कीड़े करना, बराबर है ना? हमारा मकसद क्या है? धंधे को क्लोज करना। तो जो अकाउंट हेड अपन ओपन कर सकते हो बहुत बेयर मिनिमम करेंगे। सो बेटा जी, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री डायरेक्टली आप डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश। आपके पास एक ही नॉमिनल अकाउंट है जहां से प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे आप सैलरी, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कहां पे ट्रांसफर करते थे? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, उसमें क्लोज करते थे कि नहीं लास्ट में? इधर आपको डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो इसके आगे से बात ध्यान में रखना, कोई भी खर्चा किया लाइक रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश, राइट। नेक्स्ट, कमीशन दिया, कमीशन भी तो देना पड़ता होगा ना, कमीशन क्यों देना पड़ेगा? जब आप असेट को सेल कर रहे हो तो कोई एजेंट बीच में लगा है, तो यू हैव टू पे कमीशन। अब उसकी एंट्री कमीशन टू कैश बोला तो गए तुम, उड़ गए। क्या एंट्री करोगे?
रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश. सो लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड कमीशन. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड कमीशन. रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड कमीशन. रियलाइजेशन यस बेटा एंड कमीशन. ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड कमीशन. व्हाट इज द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. बोलो हाँ. डन डन डन. ऑल राइट. राइट डाउन स्पेशल केस नंबर टू. राइट डाउन स्पेशल केस नंबर टू. असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. मैं एक क्वेश्चन पूछू क्या? असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर का मुझे एक बात बताओ. अगर तुम ड्रॉइंग्स की एंट्री आती है तो बताओ क्या एंट्री करते हो? ड्रॉइंग्स टू कैश. और फिर ड्रॉइंग्स को कहां क्लोज करते हो? पार्टनर्स कैपिटल. तो देखो एंट्री क्या करते तुम बचपन में. ड्रॉइंग्स, सुंदर टीचर ने ऐसे बताया ना, ड्रॉइंग्स टू कैश. और फिर ड्रॉइंग्स को कहां क्लोज करते थे? पार्टनर्स कैपिटल टू व्हाट? ड्रॉइंग्स. डू ऑल अप्रिशिएट? यस. हे राजा बेटा, ये हुआ एंट्री नंबर वन, ये हुआ एंट्री नंबर टू. अगर मैं इसमें से ड्रॉइंग ड्रॉइंग काट दूं तो एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. अगर मकसद दिमाग में क्लियर है तो यह बात भी पता चल जाएगी कि बेटा जी हम ज्यादा अकाउंट ओपन नहीं करने वाले क्योंकि हमें लास्ट में सारे अकाउंट क्लोज ही करने हैं. सो वी आर इंटेंशन इज वेरी क्लियर इन डिसोल्यूशन. वी डोंट हैव टू ओपन मोर अकाउंट्स, वी हैव टू क्लोज द बिजनेस. सो माय डियर फ्रेंड, ड्रॉइंग्स की एंट्री या असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ऐसा होता होगा ना कि कोई एकाधी असेट कौन ले गया? पार्टनर. तो मुझे बताओ असेट को तुमने कहां क्लोज किया था? मुझे आवाज ही नहीं आई. रियलाइजेशन में क्लोज किया, मतलब असेट अकाउंट ओपन नहीं है. कौन ले गया? पार्टनर. तो एंट्री क्या हम डायरेक्टली कर सकते क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट. अच्छा चलो बताओ मुझे, कैश आती तो हम एंट्री क्या करते? कैश टू रियलाइजेशन. अब कैश नहीं आ रही, कौन ले गया? पार्टनर्स कैपिटल. एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो करो बेटा जी, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. ठीक है, बताओ एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू व्हाट? टू रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. नेक्स्ट, लाइबिलिटीज टेकन ओवर. लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर. मुझे बताओ लाइबिलिटीज है कहां तुम्हारी? अकाउंट ओपन है या लाइबिलिटीज क्लोज हो चुका है? तो मुझे बताओ कहां पे लाइबिलिटीज? रियलाइजेशन अकाउंट. एंट्री आती है, क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बेटा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये कौन सी वैल्यू पर लोगे? आवाज ही नहीं आती यार. बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू? नो, इट विल बी टेकन एट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू मतलब जितने में एग्रीमेंट वैल्यू उतने में लेंगे. एग्रीड? ए भाई, कौन सी वैल्यू पर लोगे? मार्केट वैल्यू. सो डू नॉट राइट डाउन बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का लॉजिक क्या है? गलत है आपका लॉजिक. क्यों मार्केट वैल्यू? क्योंकि अगर मैं बाजार में बेचता तो मुझे मार्केट वैल्यू मिलती, तो फिर बाकी के दोनों पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मार्केट वैल्यू पर मिलेगी. बट अगर आप बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे तो जो प्रॉफिट और लॉस आना चाहिए वो आएगा नहीं. कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे आप कि धंधे को क्लोज करते वक्त कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ. यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट. यस और नो? यस. सो कैन आई से असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर की एंट्री आती है? मुझे नहीं आ रही यार, पता नहीं. पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट. लाइबिलिटीज टेकन ओवर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू. Are you sure about it? Yes. Which values? Market value. It has got nothing to do with the book values. Done? Can I take one more step ahead? And this is the last step which I'll take. And then we'll maybe see a problem. Zara dhyan se dekho. Aapki, nahin, do cheeze aur samjhani. Aapki asset kahan pe hai? Realization ke debit mein. So can I not say two debtors?
ये बैलेंस शीट नहीं रे, ये रियलाइजेशन अकाउंट। ये मेरा डेटर्स कहां पे आएगा रे? डेबिट में आएगा क्या? देख लो तुम्हारा फर्स्ट केस स्टडी जो हमने बनाया था उसमें रियलाइजेशन के डेबिट में था क्या डेटर्स? अच्छा, और दूसरा वाला आदमी कहां पे था? लाइबिलिटी इधर था क्या? बाय क्रेडिटर्स। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? क्या मेरा बुक्स में डेटर्स अकाउंट ओपन है क्या? क्या मेरे बुक्स में डेटर्स अकाउंट ओपन है क्या? क्या मेरे बुक्स में क्रेडिटर्स अकाउंट भी ओपन है क्या? दोनों कहां जाकर बैठ गए? रियलाइजेशन। एग्रीड? तो लेट्स अज्यूम इट दिस वे। खड़ी हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? पूर्वा मेरी डेटर्स है। एग्रीड? गुड़िया तो खड़ी हो जाओ। हाँ कोई भी खड़ा हो जाओ। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? हाँ पलक। ये मेरी क्रेडिटर है। एक है डेटर और एक है क्रेडिटर। पलक तुम पूर्वा को जानते हो? नहीं जानती? मैं जानता हूँ बेटा। मेरी एक बात मानोगे प्लीज, मुझे आपको पैसा देना है, मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैंने पल इसको बोला क्या ना, पुरवा को बोला कि आप पलक को पैसे दे दो, तुम्हें मंजूर है? अगर ये पैसे देती है मेरे बिहाफ पर तो तुम्हें मंजूर है क्या? सो कैन आई नॉट से डेटर्स असाइंड टू क्रेडिटर्स? मतलब मुझे इससे पैसे आएंगे और फिर मैं उसको दूंगा, उससे अच्छा शॉर्टकट क्या है कि मैंने डेटर को कहा कि आप मेरे पैसे हमारे क्रेडिटर को दे दो। डेटर असाइन टू क्रेडिटर से यस। अब डेटर असाइन टू क्रेडिटर, मुझे बताओ धंधे में कोई कैश आ रही है क्या? तो मुझे कोई कैश दे रही है बेटा? तो कैश किसको दे रही है? उसको। अब यहां पर आ गया पंगा, क्योंकि डेटर्स असाइन टू क्रेडिटर्स में पहले जब आप बचपन में छोटे थे तब आप एंट्री करते थे क्रेडिटर्स टू डेटर्स, इसको बोलते थे हम कॉमन डेट नॉक ऑफ करने का। क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। सो क्रेडिटर को उल्टा किया और डेटर्स को क्या कर दिया? क्रेडिट। बट जब बेटा जी हमने दोनों को ही रियलाइजेशन अकाउंट में खाली कर दिया है, सो बेटा जी असाइनमेंट की एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों कहां पे है? रियलाइजेशन अकाउंट में ही है ना। अब तुम बोलोगे डेटर को क्रेडिटर को बोल दिया, डेटर ने डेटर को हमने बोला कि तुम क्रेडिटर को पैसा दे दो, एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन? नहीं। चलो मैं तुमको इसको प्रूव करके दिखाता हूं। बैठो, यहां पर कौन थी रही है? ये छोरी का नाम क्या है? पलक। पलक मुझसे पैसे मांग रही है। और ये कौन छोरी थी? पुरवा। मैं पुरवा से पैसे मंगाऊंगा, तो एंट्री क्या? कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन। बोलो हाँ। और दूसरी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। अच्छा पुरवा कितने रुपए दिए बेटा मैंने? कितने रुपए दिए तुमने मुझे? जल्दी फेंक। 50,000। देखो कितना दकड़ा फेंकती है, 50,000। और मैंने सेम रुपए किसको दे दिए? पलक को। 50,000। मुझे एक बात बताओ, इसकी नो एंट्री किया तो चलेगा क्या? क्योंकि रियलाइजेशन रियलाइजेशन गॉट कैंसल्ड, कैश कैश गॉट कैंसल्ड। से यस और नो? सो बेटा जी व्हेन अ डेटर इज असाइंड टू अ क्रेडिटर, व्हाट एंट्री यू आर गोइंग टू मेक? नो एंट्री। इन शॉर्टकट, व्हेन अ लाइबिलिटी इज असाइंड टू एन असेट, यू आर गोइंग टू मेक विच एंट्री? नो एंट्री। लिखो आईडी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज असाइंड, लाइबिलिटी इज असाइंड, किसको असाइंड है? लाइबिलिटी इज असाइंड टू असेट, लाइबिलिटी इज असाइंड टू एन असेट, व्हाट इज द एंट्री? नो एंट्री। इन डिसोल्यूशन टॉपिक इसकी एंट्री होने लग जाएगी कब? व्हेन यू कम बैक टू यू नो अमालगमेशन, इसकी एंट्री वहां पर होगी। क्यों होगी मैं आपको बताऊंगा। So, इसकी एंट्री होगी नो एंट्री यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखिए। ये हो गया क्या बेटा? लिखो नेक्स्ट। अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड। किसको इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या? अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड, किसको मीनिंग मालूम है क्या इसका? क्या मतलब? कोई एक ऐसी एसेट जो हमारे बुक्स में है ही नहीं बट रियलाइज हो गई। इनफैक्ट ये एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे याद है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप करते थे बचपन में, छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ समझ में नहीं आता था, सर ऐसा मत करो हमारा बहुत वीक है वो पार्टनरशिप। अच्छा चलो गोली मारो। ऐसा होता था क्या कई बार कि पार्टनरशिप में गुडविल नाम का कोई शब्द सुना है? गुडविल बुक्स में नहीं रहती थी,
गुडविल बुक्स में नहीं रहती थी, बट अगर मान लो उसको बेचा तो क्या आएगा बताओ मुझे? कैश। क्या आएगा? कैश। सो अनरिकॉर्डेड असेट को जब हम बेचेंगे तो आपको मिलेगा कैश। कैश टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी से बताओ, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड क्या आएगा? रोकड़ा। तो क्या एंट्री करोगे? कैश। कैश टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। सो लिखो अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड, एंट्री क्या आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। बाबे माझे पेन नहीं चालू है, बोम्बल मैडम पेन नहीं लिख रहा। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, अरे चालू हो गया। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने बोला ना स्पेलिंग में झोले थोड़ा मेरा, उधर एस भी लिख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अगला अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लाइबिलिटीज सेटल्ड। देखो तुम्हारे ऊपर कोई एक मुकदमा चल रहा है, ठीक है, बट जब तुम धंधा बेच रहे हो तो सामने वाला खरीदने वाला आदमी क्या बोलता है कि नहीं भाई उस केस को सेटल कर दे। सो लाइबिलिटी तुम्हारे बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी क्योंकि तुम उसको क्या मान रहे थे? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तुमको क्या लग रहा था कि उसकी जरूरत नहीं है, बट अगर धंधा बेचना है तो सामने वाला आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो क्या बोलता है कि पहले उस लाइबिलिटी को सेटल कर, कॉन्टिंजेंट भी होगी तो सेटल कर। कॉमन सेंस है यार, मैं कह को उसका हेडेक उठाएगा तो मैं क्या बोलेगा, तू लाइबिलिटी को सेटल करके मेरे को दे। तो सामने वाला आदमी जाकर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का अगर मान लो पैसा भरता है या हमें अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पैसा भरना पड़ेगा तो एंट्री क्या होगा? पैसा आएगा कि जाएगा? अब तुम्हें एक ट्रिक समझ में आएगा, जिसका कोई नहीं उसका यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है क्या? सो अपनी एंट्री क्या बन रही है? टू कैश और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। सो कैन आई नॉट से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट? इधर जेड भी लिख सकते थे, टू कैश पब्लिक बैंक। एग्रीड विद दिस? यू आर रेडी विथ मेजोरिटी ऑफ द एंट्रीज, और सिर्फ इसी टॉपिक के एंट्रीज नहीं है, अमालगमेशन टॉपिक के भी थोड़े बहुत हो गए हैं। तो मैं एक क्लास का रूल एकदम सिंपल, मैं एंट्रीज को पूछता हूँ अकाउंट्स में, जब तक एंट्रीज आपको लॉजिकली समझ में नहीं आ जाती तब तक मैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता। तो एंट्रीज आपको परफेक्ट चाहिए, एक बार रिवाइज करेंगे सारी एंट्रीज एंड देन विल गो हेड, ठीक है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम डाउन टू द पेज नंबर 3, कम डाउन टू द पेज नंबर 3। मिली क्या पहली एंट्री किसकी है? अच्छा, इसमें से कुछ एंट्रीज मैं अभी नहीं कराऊंगा, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्डेड असेट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री पाहिजे। तुम एक सिंक में बोल सकते हो क्या? एट द काउंट ऑफ 3। अच्छा, रिकॉर्डेड असेट को ट्रांसफर किया, क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। ये क्या लिखा? विद देयर इंडिविजुअल बुक वैल्यूज, मतलब प्रत्येक असेट को इंडिविजुअली एम्प्टी करोगे। कभी भी कोई भी बच्चा ऐसी एंट्री नहीं करेगा, रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट। 11th 12th के दिन गए हैं बेटा, नहीं चलेगा, उधर करते रहेंगे सन्ड्री असेट। वो बकवास था, वो गलत था, क्योंकि उस केस में बैलेंस शीट एम्प्टी हो ही नहीं रही, क्योंकि बैलेंस शीट में कोई सन्ड्री असेट नाम की असेट है ही नहीं। एंट्री तो यही होनी चाहिए, रियलाइजेशन टू इंडिविजुअल असेट। अच्छा, लाइबिलिटीज को क्लोज करने का एंट्री क्या आएगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ ऑल द असेट्स, कैश आया, कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कोई असेट ओनर लेके जा सकता है क्या? एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट, कैन आई से असेट्स आर गिवन अवे टू क्रेडिटर्स, मतलब कुल मिलाकर असाइनिंग एन असेट टू अ लाइबिलिटी, असाइनिंग एन असेट टू अ लाइबिलिटी, व्हाट इज द एंट्री? नो एंट्री। नाउ नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पेमेंट क्या, एंट्री क्या? रियलाइजेशन टू कैश, बरोबर है ना? पार्टनर्स एग्रीइंग टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, ये सिखाया नहीं बट कॉमन सेंस लगाकर बताओ। जैसे असेट लेकर गया तो एंट्री क्या दी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। वैसे लाइबिलिटी को सेटल किया तो एंट्री क्या? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस एवरीवन? ओके, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, एंट्री बताओ? रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक। अच्छा, क्या ये रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर भी भर सकता है क्या? मतलब धंधे से कैश नहीं जाएगी बट खर्चा धंधे का है, तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन
टू पार्टनर्स कैपिटल सेस नेक्स्ट व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर्स ये रेंदो ये पेंडिंग और फिर व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय नहीं पेंडिंग आहो नहीं हो पेंडिंग अभी प्रॉफिट लॉस की एंट्री वो बाद में हो जाएगी एक्यूमुलेटेड अच्छा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किधर जाएगा पार्टनर्स पीएसआर सो कैन आई नॉट से रिजर्व्स एंड सरप्लस टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर से यस आई होप बाकी की एंट्रीज हम बाद में कर पाएंगे ठीक है सभी लोगों को एंट्रीज क्लियर कोई क्वेरी ऑलराइट हाँ बेटा सीसी मींस इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड इफ इट इज अ लाइबिलिटी इफ इट इज एन ओवरड्राफ्ट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट इफ इट इज एन असेट दैट इज इट हैज गॉट अ डेबिट बैलेंस देन इन दैट केस इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ठीक है बट सीसी अकाउंट के बारे में और एक चीज बताता हूँ कि हमें बाकी के ट्रांजेक्शन भी देखने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो ओडी है और उसमें से और पेमेंट हम कर रहे हैं तो फिर उसका अलग से अकाउंट ओपन होगा दैट आई विल टॉक अबाउट इट ठीक है